तो यहाँ तक कि सारे आरोप को जो जब अतुल ने जवाब दिया, उनके जब सबूत कोर्ट में पेश किए, तो जो महिला जज थी वो हंसने लग गई। जब मरने की बात आई उस पर भी वो हंसने लगी। अतुल ने अपने डॉक्यूमेंट्स में उनका जिक्र किया है, हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की है। लेकिन ऐसे में जानना ज़रूरी है वो महिला जज है कौन। तो आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक फुल फ्रेम में मैं तस्वीर चला रही हूँ, यही वो जज हैं रीता कौशिक। इनके मैं चलते चलते जल्दी से आपको फटाफट इनके बारे में बता देती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि पुरुषों के लिए कैसे जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और कैसे महिलाएं उनको टॉर्चर कर रही हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जो रीता कौशिक हैं उनका मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर उनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1968 में। इसके बाद वो एक ट्रेनी या यूँ समझिए मुंशी के तौर पर 1996 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 1999 में वो सहारनपुर जिले से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हो गई। इसके बाद मथुरा में एडिशनल सिविल जज बनी। फिर साल 2003 में इनका ट्रांसफ़र होता है अमरोहा। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद कुछ दिन ही अपनी सेवाएं देती हैं और 2003 से 2004 तक वो लखनऊ में स्पेशल CJM के पद पर तैनात रहती हैं। फिर इन्हें अयोध्या में भी अपनी सेवाएं देने का मौका मिलता है और साल 2018 में अयोध्या के फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज के तौर पर ये नियुक्त होती हैं और साल 2022 तक अयोध्या में रहती हैं। फिर 2022 में ये जौनपुर आती हैं और यहाँ पर इन्हें केस मिलता है अतुल का। अब रीता कौशिक के बारे में आपने जाना, इनकी पढ़ाई बता देती हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। रीता कौशिक ने जो पढ़ाई की है वो 1986 में इन्होंने BA ऑनर्स फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। 1989 में इन्होंने LLB भी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और 1991 में LLM इन्होंने सेकेंड डिवीज़न से पास किया। और ये सब करने के बाद ये एक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात होती हैं और फिर इस तरीके की एक ओछी हरकत इनकी तरफ से की जाती है, जिसका जिक्र अतुल ने अपने सबूतों के तौर पर किया कि अतुल इस कदर परेशान हो गया है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा कदम तभी उठाता है जब वो अंदर से टूट गया हो। आप सोचिए कोई अपने माँ बाप, कोई अपने भाई, अपने पीछे इतने लोग को छोड़कर कैसे जा सकता है। वो लड़ सकता था, हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि वो लड़ सकता था, लेकिन वो जिस मनोस्थिति में था, वो जिस चीज़ों में ग्रसित था, आप ये सोचिए कि तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और ये अपने आप में सोचने का विषय है कि क्या सच में जो पुरुष हैं उनके लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है।